विधायक वासुदेव देवनानी ने पंचशील स्थित राजकीय शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 100 बेड का कोविड सेंटर बनाने के दिए निर्देश। वार्ड क्षेत्र के पार्षद अतीश माथुर ने लगाया सिंधु भवन में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पंजीयन शिविर। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए पात्र व्यक्तियों को नामित करने हेतु अलग अलग वार्डों में वार्ड पार्षदों के द्वारा शिविर लगाकर सदस्यता पंजीयन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को वार्ड क्षेत्र के क्षेत्रवासियों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिलवाने हेतु पंचशील में एक दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया। सिंधु भवन एल ब्लॉक में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक लगाए गए शिविर में पंचशील सी ब्लॉक एल ब्लॉक व बी ब्लॉक के क्षेत्रवासी लाभान्वित हुए। वार्ड क्षेत्र के पार्षद अतीश माथुर ने बताया कि शिविर में पंजीयन के लिए आने वाले लोगों को अपने साथ जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड अथवा जन आधार नामांकन की रसीद लानी होगी। जिस व्यक्ति का जन आधार कार्ड नहीं बना हुआ है वह परिवार के मुखिया का आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक की प्रति भी ला सकता है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में राज्य सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र लाभार्थी, संविदा कर्मी, लघु एवं सीमांत कृषक के लिए निःशुल्क पात्रता रहेगी। वहीं सामान्य जन को 850 रुपये शुल्क देना होगा। पंजीकरण के बाद 1 साल तक 5 लाख तक का बीमा, जिसमें 50,000 का सामान्य बीमारी तथा 4.5 लाख का गंभीर बीमारी का इलाज चयनित अस्पतालों में निःशुल्क रहेगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल। अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। वैसा ये जो मुख्यमंत्री चेंजी स्वास्थ्य बीमा योजना का हमने कैंप लगाया है लगातार 3rd दिन। पहले 2 कैंप हमने भगवान महावीर स्कूल के अंदर लगाए थे, हमने अपने वार्ड को 3 भागों में विभक्त करा था। आज जो है यहाँ पर सिंधु भवन के अंदर एल ब्लॉक के अंदर पेंशन में हमने कैंप लगाया है और यहाँ पर जो है एल ब्लॉक, डी ब्लॉक और सी ब्लॉक के क्षेत्रवासियों को लाभ दिलाने के हिसाब से हमने कैंप लगाया है। 3 ई-मित्र की हमने व्यवस्था करी है। हालांकि जो जनाधार की जो साइट है वो आज भी स्लो चल रही है, फिर भी प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रवासी यहाँ पर लाभान्वित हो और उनको चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिल सके। आज कैंप का समापन है? जी सर, आज 3 दिवसीय कैंप का समापन दिवस है। अब तक कितने हो गए, कब तक चले पाएंगे? जी शाम को 4 बजे तक का समय रखा हमने इसका और करीब करीब 20 पॉलिसीज तो हमारी कट गई है और 2-3 इधर कटी है, 2-3 ऊपर कटी है। जनाधार की साइड जो है स्लो चल रही है लेकिन अब चलने लगी है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो बची पेंडिंग है वो काम जल्दी से जल्दी होगा। जनाधार के अलावा क्या क्या बन रहा है सर? जनाधार कार्ड बनवा रहे हैं सब, और उसके बाद मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट अपने बीमा पॉलिसी है वो इशू कर रहे हैं। इस मौके पर आयोजित शिविर का उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने भी निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने पंचशील स्थित राजकीय शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का अवलोकन कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि जिस तरह से अजमेर में कोरोना वायरस पैर पसार रहा है उसे देखते हुए उन्होंने निर्देश दिए हैं कि पंचशील सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 100 बेड का कोविड केयर वार्ड बना दिया जाए ताकि जेएलएन अस्पताल पर काफ़ी हद तक भार कम हो सके। साथ में मौजूद सीएमएचओ डॉक्टर के सोनी ने भी अस्पताल में उपलब्धताओं का जायजा लेते हुए अगले 1 सप्ताह के अंदर 100 बेड का कोविड सेंटर बनाने की कवायद शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन हर बेड तक पहुँचे ऐसी व्यवस्था करने में कुछ वक्त लग रहा है, इसलिए 1 सप्ताह के अंदर यह कोविड सेंटर शुरू हो पाएगा। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगातार वैक्सीनेशन भी बेहतर तरीके से हो रहा है और लोगों को राहत भी मिल रही है। यहाँ चिकित्सकों की कमी है जिसे जल्द से जल्द चिकित्सा विभाग से बातचीत कर पूरा कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि विधायक वासुदेव देवनानी ने विधायक कोष से 40 लाख रुपये कोविड नियंत्रण के लिए देने की घोषणा की है। इसमें 25 लाख रुपये पंचशील स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट लगाने और नेहरू अस्पताल सहित विभिन्न सरकारी डिस्पेंसरियों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने पर खर्च की जाएगी। आज आपने जायजा लिया है, किस तरह की व्यवस्थाएं होने जा रही है क्या? और शहर में जिस तरह कोरोना महामारी फैल रही है और इस समय जेएलएन पर काफ़ी कोई इसका भार है, कई जगह तो 200-250 लंबी लाइन रखती है, नंबर 2-2.5 घंटे बाद आता है। तो एक तो मैंने कल कर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि वहीं इसके काउंटर्स बढ़ाएं, लेकिन साथ में कोविड सेंटर्स भी बढ़ें तो ये शहरी सामुदायिक अस्पताल जो है काफ़ी समय से बना हुआ था, हालांकि हमारे समय कार्यकाल भाजपा के कार्यकाल में बना,
में इसका पूरी तरह उपयोग नहीं हो रहा था, अब तक तो केवल इसमें वैक्सीनेशन का काम हो रहा था, तो ये सुझाव दिया कि इसको कोविड सेंटर के रूप में बदला जाए, तो उस पर सहमति बनी। लेकिन उस समय इन लोगों का केवल 70 बेड का बनाने का था, मैंने कहा नहीं, यहाँ पे इतनी कैपेसिटी है, 100 बेड का बनाया जाए। तभी सीएमएचओ साहब साथ हैं, तो उनसे सोनी जी से बात करते हुए लगा कि ये इसको 100 बेड का कोविड सेंटर अगले एक वीक से पहले पहले, इनको 3 दिन में कह रहे हैं, ये मान लो एक आध दिन ज़्यादा भी लगेगा, 3-4 दिन के अंदर एक कोविड सेंटर शुरू हो जाएगा, जिससे शहर को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी, कोविड पेशेंट को भी सामुदायिक बनेगी। इसके लिए जो मूल रूप से ऑक्सीजन पाइपलाइन चाहिए वो बिजनेस शुरू हो गई है, तो कुछ कमरे आइडेंटिफाई किए हैं, कुछ ऊपर काफ़ी क्लोज चैम्बर है, वहाँ भी बेड्स आएंगे। कुल मिला के 100 बेड का बनाने का निर्णय हुआ है, तो बहुत जल्दी अजमेर में ये 100 बेड का ऑक्सीजन सहित एक कोविड सेंटर यहाँ पे तैयार होकर के लोगों को राहत प्रदान करेगा। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, डॉक्टरों की कमी भी है? डॉक्टरों की अवश्य कमी है, जैसे अभी वैक्सीन का काम चल रहा है, लेकिन यहाँ तो सेटिस्फाइड है कि यहाँ तो लगभग 400 इन्होंने कल किए और आज भी सवेरे से 150 से अधिक 160 किए हैं। लेकिन बाकी जगह जो मैंने अजमेर में अभी मैंने रामनगर डिस्पेंसरी में गया, वहाँ स्पीड बहुत कम है, तो मैंने सीएमएचओ साहब कहा है कि अपना स्टाफ बढ़ाओ ताकि ये लोगों को वैक्सीन का जो क्रम चला है, अभी तो 45 साल से कम उम्र का है, इसलिए अभी भी जनता को इंतज़ार करना पड़ता है शाम तक, हालांकि टोकन वगैरह देख करके व्यवस्थाएं तो चल रही हैं, लेकिन अभी भी कम संख्या में हो रहा है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए कुछ जगह हमने पार्षदों से भी आग्रह किया, उनके सहयोग से कोई शिविर लगाएं, ताकि हम अधिक से अधिक, कम से कम 30 अप्रैल तक तो हम ये 45 वाला कोटा अधिक से अधिक पूरा करें, क्योंकि 1 मई से जो भारत सरकार ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों तय किया, उसकी तैयारी भी हमको अभी से ही करनी पड़ेगी, ताकि सबको ये अपना वैक्सीन उपलब्ध हो सके।